हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम ब्राइटली रेंट्स के द्वारा लिखी हुई पोयम ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारी टेक्स्ट बुक में इसका नाम सिर्फ वंडरफुल वर्ल्ड दिया गया है, यह इसका पूरा नाम है ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। इसमें कवि ने इस कविता को दो भागों में बांटा है। पहले भाग में दो शुरुआत के स्टेंजा में वह पृथ्वी के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, बाकी के दो स्टेंजा में उन्होंने एक इंसान और पृथ्वी के बीच में कंपैरिजन किया, एक तुलना रखी है कि पृथ्वी में के क्या गुण हैं और एक मानव में क्या है। तो देखते हैं हम आज की अपनी पोयम। उससे पहले देखिए ये पिक्स, हाउ ब्यूटिफुल अवर वर्ल्ड इज। सो नाउ स्टार्ट अवर पोएम। सो द फर्स्ट स्टेंजा इज Great, white, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world, you are beautifully dressed. क्या कह रहे हैं पृथ्वी की सौंदर्य का वर्णन करते हुए? सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने personification नाम का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। personification क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण, यानी कि जब किसी निर्जीव को हम सजीव मानकर उसके साथ बात करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर हमारे राइटर ने पृथ्वी को एक महिला के रूप में माना है और उस रूप में वो उसका की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, वंडरफुल का मतलब विस्मयकारी, अद्भुत या विलक्षण, वर्ल्ड पृथ्वी, विलक्षण पृथ्वी। तो क्या कह रहे हैं, कैसी है? ग्रेट, महान, विशाल, सुंदर, विलक्षण पृथ्वी, विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ड। और उसके पास क्या है, उस वो अपनी चारों तरफ कैसी विस्मयकारी पानी जो है, यानी कि समुद्र का जो पानी है, जैसा हम लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, समुद्र है, तो ऐसे चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और जो विस्मयकारी यानी कि बहुत सुंदर जो घास है वो उसके ब्रेस्ट पर है। ब्रेस्ट यानी कि एक फीमेल चेस्ट, आप चेस्ट कहते हैं, एक मेल का जो सीना होता है उसे चेस्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट फीमेल के सीने को कहते हैं, तो या वच स्थल इसको बोलेंगे। तो वो आपका जो वच स्थल है वो किससे सजा हुआ है, वंडरफुल ग्रास, सुंदर सी घास से सजा हुआ है, विस्मयकारी घास से सजा हुआ है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यानी कि पृथ्वी तुम बहुत ही सुंदर पोशाक, ड्रेस यानी कि पोशाक से सुसज्जित हो, यानी कि तुमने बहुत अच्छी पोशाक अटायर पहना हुआ है। क्या है वो अटायर, पृथ्वी के ऊपर क्या है, घास, हरियाली तो पहना हुआ है। क्या हुआ इन चार लाइनों का मतलब कि हे महान, विशाल, सुंदर, विलक्षण पृथ्वी, तुम अपने चारों ओर किससे घिरी हुई हो, पानी से घिरी हुई हो, और तुम्हारे वच स्थल पर ये सुंदर सी घास है, तुम्हारी पोशाक जो है बहुत सुंदर है, या तुम बहुत सुंदर पोशाक से सुसज्जित हो। तो यहाँ पर पोशाक किसको कहा गया है, पानी को भी और घास को, पृथ्वी की पोशाक यानी कि जो परिधान वस्त्र हम धारण करते हैं वो कहा गया है। एंड द नेक्स्ट स्टेंजा, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज सीकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड व्हिल्स द मिल्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द मिल्स। अब वो क्या क्या है पृथ्वी पर, और वंडरफुल एयर, अद्भुत जो हवा है वो कहाँ है, मेरे ऊपर है, अद्भुत वायु है मेरे ऊपर। अब वायु अद्भुत कैसे है, आप जानते हैं बिना वायु के तो हम सांस भी नहीं ले सकते, मनुष्य जिंदा भी नहीं रह सकता, तो अद्भुत वायु जो है, विस्मयकारी वायु मेरे ऊपर है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और अद्भुत हवा जो है वो क्या कर रही है, पेड़ों को हिला रही है, शेक कर रही है, शेक मीन्स हिलाना, शेक कर रही है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, ऊपर लाइन में यूज़ हुआ है वर्ड एयर और नीचे वर्ड यूज़ हुआ है विंड,
दोनों का मतलब हवा होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। एयर जो होती है, जो हमारे वातावरण में जो विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है, आप सभी जानते होंगे, उसको हम हवा कहते हैं। एयर यानी कि जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है, ये बात अलग है कि वो शुद्ध है या शुद्ध है। और ये विंड का रूप तब लेती है जब इसमें एक डायरेक्शन होता है, और एक जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हवा एक जगह पर इकट्ठी होकर किसी एक दिशा में गति करती है, चलती है किसी दिशा में, तो जो हम एहसास करते हैं कि हवा चल रही है, पत्ते जिससे हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, या कोई भी चीज़ हिल रही है, तब वो विंड कहलाती है। तो वो क्या कर रही है, विंड जो है वो पेड़ों को हिला रही है, वृक्षों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स। और वो क्या कह रही है, किस पर चल रही है, ये पानी पर चल रही है। और व्हील्स माने होता है घुमाना, द मिल्स, मिल्स होती है पवन चक्कियाँ, पवन चक्कियों को घुमा रही है। एंड टॉक्स टू इट्स सेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द मिल हिल्स। और यह ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी के टॉप पर यानी कि चोटी पर स्वयं अपने आप से बातें कर रही है, क्योंकि जब ऊंचाई पर जितना आप जाते हो वहाँ पर हवा की रफ्तार तेज होती है, और जब तेज हवा चलती है तो हल्की सी जो आवाज़ आती है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये पहाड़ी की ऊंचाई पर अपने आप से बातें कर रही है। तो ये हो गए हमारे दो स्टेंजे जिसमें उन्होंने पृथ्वी के बारे में उसके तारीफ की है उसकी। अभी देखिए वो कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो। अभी वो उससे पूछ रहे हैं कि हे मित्रवत पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो कि तुम मेरी मित्र के समान हो, क्योंकि पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है, हमारा जीवन पृथ्वी से। तो कह रहे हैं मित्रवत पृथ्वी, तुम कितना दूर तक जाती हो, यानी कि तुम्हारा विस्तार कितना है, और क्या क्या है आपके साथ। ये जो विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोट, व्हीट मीन्स गेहूँ, फील्ड मीन्स खेत या मैदान, गेहूँ के मैदान, दैट नोट्स यानी कि जो हवा से हिल रहे होते हैं, तो उन्हें कवि कह रहा है कि झूमते हुए गेहूं के मैदानों के साथ, एंड रिवर्स दैट फ्लो, और ये जो बहती हुई नदियों के साथ आप कितने दूर तक जाती हो, और क्या है, विथ सिटीज एंड गार्डन्स, शहरों और गार्डन्स यानी कि बगीचों, क्लिप्स, क्लिप्स मीन्स यानी कि पहाड़ियाँ, चट्टाने है ना, क्लिप्स, और क्या, आइल्स यानी कि द्वीप, इनके साथ साथ इतना कुछ है आपके ऊपर, आपका जो विस्तार है वो कितना है। और एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और वे मनुष्यों के लिए कितना, जो आपके ऊपर जो मनुष्य रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मील्स, हजारों मील तक अपने जो आपके ऊपर मनुष्य हैं, और इतनी सारे जो व्हीट फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, सिटी, गार्डन, क्लिफ्स, आइल्स, इतना कुछ है, तो आप कहाँ तक जाती हो, आपका विस्तार कितना है। अब जब वो इस बारे में सोच रहे हैं कि पृथ्वी कितनी विशाल है, कितना इसका विस्तार है, क्या क्या है इसके ऊपर, तो वो क्या कह रहे हैं आगे, देखिए लास्ट स्टेंजा हमारा इस पोएम का। आह यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। अब वो क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने पृथ्वी के बारे में सोचा तो अब तो उनके मन में क्या आ रहा है, आह कि हे पृथ्वी, आह यानी कि आप तो बहुत विशाल हो, बहुत महान हो, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत तुच्छ हूँ, छोटा हूँ। अब ये तो पृथ्वी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मनुष्यों के साथ तो अगर वो अपने से बड़े मनुष्य को देख ले, अपने से ज़्यादा हाई रैंक का हो, कुछ भी हो, तो भी उसको इन्फीरियोरिटी आ जाती है कि भाई वो तो बहुत बड़ा आदमी है, हम तो इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि तुम बहुत महान हो और मैं बहुत छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। और क्या कह रहे हैं कि मैं कांप गया आपके बारे में सोचकर, जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मैं क्या कांप जाता हूँ, सिहर उठता हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर कि तुम कितनी विशाल हो। एंड येट व्हेन आई सेड माय प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जब मैं आज अपनी प्रेयर्स को कह रहा था, यानी कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अब विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, धीरे से कोई बात कहना है ना, तो वो कोई एक आवाज़ धीरे से मेरे अंदर से उठ रही थी, यानी कि आ रही थी इनसाइड मी, मेरे अंदर एक आवाज़ जो थी वो आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कह रही है, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़। वो आवाज़ क्या कह रही थी,
यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम पृथ्वी से क्या हो, मोर देन, तुम पृथ्वी से यानी कि बड़े हो। कैसे बड़े हो? दो यू आर सच अ डॉट, क्या कह रहे हैं कि यू आर मोर देन द अर्थ। वो जो आवाज अंदर से आ रही थी वो क्या कह रही थी मुझसे, कि तुम पृथ्वी से भी कुछ ज्यादा हो, उससे महान हो। हालांकि तुम कैसे हो, दो, हालांकि यू आर सच अ डॉट, एक डॉट की तरह, एक बिंदु की तरह हो उसके आगे। कहाँ इतनी बड़ी पृथ्वी, और उसका कंपैरिजन मनुष्य से हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वो जो आवाज़ थी वो ये कह रही थी कि तुम जो हो पृथ्वी से कुछ जब बढ़कर हो, हालांकि भले ही तुम उसके सामने क्या हो, एक डॉट के समान हो, लेकिन क्या है, यू कैन लव एंड थिंक, आप क्या कर सकते हो, आप प्रेम कर सकते हो, आपके हृदय में प्रेम है, आप सोच सकते हो, आप में सोचने की क्षमता है, सही गलत को पहचानने की क्षमता है। एंड द अर्थ कैन नॉट, और पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती।